पुलिस महानिरीक्षक नागरिक सुरक्षा राज्य नोडल अधिकारी एसपीसी के निर्देशानुसार बाल अपराध रोकने के लिए पुलिस लाइन सभागार में क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज व नोडल अधिकारी एसपीसी दिनेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम में पढ़ने वाले 28 विद्यालय के प्रबंधक व प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की गई। बैठक में किसी भी विद्यालय में या विद्यालय के बाहर बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का अपराध ना हो उसे रोका जाए, विद्यालय में किसी भी बच्ची या बच्चे के साथ अन्याय ना किया जाए। इस मौके पर विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य प्रबंधक आदि लोग मौजूद रहे। बुलाया गया था जिसमें कि 20 स्कूलों के यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये स्टूडेंट पुलिस कैडेट मीटिंग के माध्यम से एक पुलिस का एक ये प्रोग्राम चल रहा है कि जा जाकर के स्कूलों में बच्चों को ब्रीफ किया जाए और जो पुलिस और पब्लिक और बच्चों में जो दूरियां हैं वो उसको कितना ज्यादा से ज्यादा कम किया जाए जिससे बाल अपराध बच्चों पे होने वाले अपराधों पर नियंत्रण किया जाए। इस संबंध में सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए सीओ कैंपियरगंज व नोडल अधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने कहा, एक एसपीसी कोर्स यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है स्कूलों में, तो ये 28 स्कूल चयनित किए हैं। गोरखपुर जनपद में 28 स्कूल कॉलेज चयनित किए गए हैं जिसमें कि जो बाल अपराध हो रहे हैं, बाल अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सके और पुलिस और बच्चों में जो स्कूली बच्चे हैं इसमें जो दूरियां हैं वो उसको कम किया जाए। तो हर स्कूल में जा कर के कोशिश यही है कि हर थाने में एक एसआई को नोडल अफसर बनाया गया है। यहाँ पे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मुझे दायित्व सौंपा गया है, तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक गश्ती अधिकारी डिप्टी एसपी और थानों पे एक एक सब इंस्पेक्टर को नोडल अफसर नियुक्त किया गया है जो कि स्कूलों में जा कर के समय लेते हैं। तो वहाँ मैं स्वयं जाता हूँ और बच्चों को ब्रीफ करता हूँ जो बाल अपराध हो रहे हैं उस पर नियंत्रण किया जाए और सरकार द्वारा कुछ इनको सुविधा भी दिया जा रहा है और एक कुछ पैसा इनको 30,000 रुपये प्रति स्कूलों के माध्यम से दिया जा रहा है।